एक विकासशील देश को आगे बढ़ने के लिए उस राष्ट्र के सभी बच्चों को, सभी लोगों को शिक्षित होना अनिवार्य है और शिक्षा के इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आगरा की संस्थाओं ने अपना अपना योगदान दिया, जहां मुफीद-ए-आम इंटर कॉलेज में लायंस क्लब और अन्नपूर्णा संस्थाओं ने मिलकर बच्चों के पढ़ने के लिए क्लासरूम बनवाए। बच्चों ने बताया कि पहले टूटी फूटी क्लास में पढ़ा करते थे, जहाँ पर उन्होंने क्लासरूम बनवाए हैं, वहाँ शौचालय का भी निर्माण कराया है। वहीं स्कूल की शिक्षिकाओं ने बताया कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए किताबें नहीं हैं, फोटोकॉपी के द्वारा ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। सरकार की उदासीनता के कारण इस स्कूल का नाम पीछे है। इस स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए पूरा जिम्मा उठाया संस्थाओं ने। किसी विकसित देश में इस प्रकार से इतनी छोटी चैरिटी करने का वहां जरूरत नहीं पड़ती है। बिल गेट्स भी चैरिटी करते हैं, दूसरे कामों में करते हैं, ज्यादातर उनके अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज होते हैं, वो जहां पे हैं वहां उन्हें कंप्यूटर नहीं देना पड़ता है स्कूल के लिए। मुझे लगता है बच्चा पैदा होते ही कंप्यूटर का मालिक होता होगा, क्योंकि ये विकासशील देश है, हम विकसित हो जाएंगे। नाम क्या आपका? कीर्ति। कीर्ति कौन सी क्लास में हो? मैम फोर्थ में। फोर्थ में हो। यहाँ पहले क्लास कैसी थी? मैम टूटी थी और मैम बहुत गंदी थी और मैम यहाँ पे हमेशा कुछ कोई भी बच्चे और मैम बहुत बदतमीज बच्चे थे मैम। अब मतलब क्लास अच्छी बन गई है? यस मैम। तो अब तो अच्छी क्लास में पंखे की व्यवस्था थी या लाइट की? मैम लाइट नहीं थी। लाइट नहीं थी, अब लाइट भी है, सीट भी है, नई क्लास भी अच्छी, अब अच्छा लग रहा है? यस मैम। थैंक यू कहोगे सबको? थैंक यू मैम। नाम क्या आपका बेटा? मैम तन्नू। तन्नू किस क्लास में हो? मैम फोर्थ। अच्छा, ये नई क्लास बनी है क्या? पहले से यहाँ पे ऐसी क्लास थी या बनाई गई है? नो मैम, बनाई गई है, क्योंकि पहले ये बहुत टूटा फूटा था, अच्छा नहीं था स्कूल, हर जगह जा लेते और भौंक लेते थे, अब ये क्लास नहीं बनी। अब ये स्कूल सा लग रहा, पहले स्कूल नहीं लगता था, पहले कोई बच्चा एडमिशन के लिए नहीं आता था, बहुत बच्चे एडमिशन के लिए आते। अच्छा, तो पहले आप लोग उसी पढ़ते थे, टूटे फूटे पढ़ते थे? यस मैम। मैडम भी टूटे फूटे पढ़ाते थे? हाँ मैम। ठीक है। आशीष जी, ये बताइए आज लॉयंस क्लब के द्वारा यहाँ पर कितनी क्लासों का उद्घाटन कराया है? हमने एक ही क्लासरूम का यहाँ पे उद्घाटन कराया है और यहाँ करीब गरीब बच्चे जो यहाँ के आसपास की बस्ती के पढ़ रहे थे, जब हम लोग यहाँ सबसे पहली बार आए थे तो बहुत ही जर्जर व्यवस्था में यहाँ के क्लासरूम से, तो उसी को देखते हुए कि हमने यहाँ बच्चे बरसात में एक कपड़े के टेंट में लगा कर पढ़ रहे थे, तो ये परेशानी देखकर हमने यहाँ एक क्लासरूम का निरीक्षण किया। मैं कांता माहेश्वरी, अन्नपूर्णा समिति की संस्थापिका। इस स्कूल का पूरा जीर्णोद्धार हम लोगों ने अपने हाथों में लिया और आगरा की कई संस्थाओं ने हमें इसमें सहयोग दिया। उसमें प्रयास ने भी एक कमरा बनवाया, जिसका कि आज हमारे सांसद एसपी बघेल जी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। इस स्कूल को हमने, एक हमारा ड्राइवर का पोता पढ़ता था तब हम यहाँ आए और इतनी गंदी हालत थी कि यहाँ की स्कूल और टीचर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उस माहौल में इनको पढ़ाती थी। अब इस स्कूल में अभी ना तो ये ऐड आती है कोई गवर्नमेंट, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पाठ्यक्रम की पुस्तिकाएं भी नहीं बच्चों को मुहैया हो रही है, और सारे बच्चे हैं जिनके पापा मम्मी मजदूरी करते हैं या चौका बर्तन कर रहे हैं, कोई बुटीक में काम कर रही है, कोई मिसरानी है, सब मलिन बस्तियों के बच्चे हैं। अब हमारी बहनें सुबह भी यहाँ आती हैं टीचर्स का सहयोग करने, शाम को भी टीचर्स का सहयोग करने आ रही हैं, क्योंकि कई जगह ये होता है हाथ में काम लेते हैं, बिल्डिंग बन गई, अतिश्री कर देते हैं, तो हमने अतिश्री बिल्डिंग बना के नहीं करी है, हमने यहाँ पे इन बच्चों को नैतिक शिक्षा, अनुशासित, क्योंकि ये नींव है, ये कच्चे घड़े हैं। यहाँ पर इस स्कूल में आप आए, यहाँ पर आपको घर के लिए बुलाया गया, क्या कहना चाहते हैं लॉयंस क्लब के लिए आप? लॉयंस क्लब प्रयास का मैं हृदय की अनंत गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उनके निजी प्रयास से, जैसा उनके क्लब का नाम है, अपने नाम को सार्थक और चरितार्थ किया है। ये बहुत ही जीर्णशील विद्यालय में उन्होंने कई कक्षों का निर्माण अपने स्वयं के प्रयासों से किया है, इससे निश्चित तौर से बच्चों को हर मौसम में पढ़ाई करने में आसानी होगी, वरना बरसात में, गर्मी में और सर्दी में इनको थोड़ी दिक्कत होती थी। जो काम सरकार को करना चाहिए आज वो एक क्लब कर रही है सर। यही हम लोग कह रहे हैं कि सभी काम सरकार पे नहीं सौंपना चाहिए, क्योंकि हम विकासशील देश हैं, विकसित देश में एनजीओ होते हैं लेकिन उनकी बहुत बड़ी भूमिका नहीं होती है, लेकिन हम विकासशील देश हैं और ये हमारा अपना शहर है, सरकारें आएंगी जाएंगी, हमें इसी शहर में रहना, ये हमारे बच्चे हैं, वसुदेव कुटुंबक कई हम लोग मानने वाले लोग हैं, तो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे यहाँ पर आते हैं, उनके लिए एक अच्छी सुविधा दी है लायंस क्लब प्रयास ने, उसके लिए आभार प्रकट करना। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल।
करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।